देखिए दोस्तों, आज आपको मदरबोर्ड का एक ऐसा राज बताऊंगा जो आपने अभी तक नहीं जाना होगा। कोई भी मदरबोर्ड फुल एचडी पर है या एचडी रेडी पर है ये कैसे जाने, अभी तक बिना पैनल में लगाए इसको कोई नहीं जान पाया। पैनल में लगाने के बाद ही हमें पता लगता है कि ये मदरबोर्ड फुल एचडी पर है या एचडी रेडी पर है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ जिसको देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मदरबोर्ड फुल एचडी सिग्नल निकाल रहा है या एचडी रेडी, वो भी बिना पैनल के। वो कैसे चेक करेंगे मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये हमें LVDS कनेक्टर दिखाई दिया जिसमें से अभी 5 पेयर निकले हैं। 5 पेयर या 10 पेयर, 5 पेयर वाला कनेक्टर है तो एचडी रेडी और 10 पेयर का कनेक्टर लगा दिया तो फुल एचडी। अब ये 5 पेयर और 10 पेयर क्या काम करते हैं, क्या हम इसे चेक कर सकते हैं ये फुल एचडी पर है या एचडी रेडी पर? तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक देता हूँ जिसे देखकर आपको बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि ये मदरबोर्ड फुल एचडी सिग्नल निकाल रहा है या एचडी रेडी सिग्नल निकाल रहा है। इसके लिए हमें एक मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी और एक रिमोट की, जो इसका रिमोट है वो मैं यूज करता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसका रिमोट है। अब इसमें रिमोट के साथ एक कोड आया है इसको फुल एचडी और एचडी रेडी करने का। तो इसका कोड क्या है, इनपुट 3181। ये हम दबाएंगे तो ये एचडी रेडी पर आ जाएगा और इनपुट 3182 ये दबाते ही फुल एचडी पर आ जाएगा। तो ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन अब ये पता कैसे लगे कि ये सिग्नल कौन से निकाल रहा है? हम तो बिना पैनल में देखे ही इसको पता करेंगे। तो देखिए, मैं इस रिमोट से ये कोड डालूंगा और मैं पहले इसमें एक सेंसर की जोड़ लेता हूँ। ये मैंने सेंसर की जोड़ लिया और इसको आपके सामने रख देता हूँ जिससे आपको दिखाई देता रहे। ये देखिए, मैंने सेंसर की लगा दी, यहाँ लगा देता हूँ, आपको दिखाई देगा, ये लगा दिया। अब हमें एक मल्टीमीटर ले लेना है। देखिए, ये मल्टीमीटर मैंने यहाँ रख दिया 20 वोल्ट डीसी पर करके। मैं इसको सही से लगा देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर नज़र आए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसमें सप्लाई देते हैं, मदरबोर्ड का प्लग मैं एंटर करता हूँ। ये मैंने प्लग एंटर कर दिया, ये लाइट ग्लो कर गई, ये आपको दिखाई दे रही होगी। अब देखिए दोस्तों, ये मदरबोर्ड नॉन एचडी पर है या फुल एचडी पर है कैसे जाने? तो देखिए, हमने काली पिन को ग्राउंड से लगाया और ये पेयर है यहां तक। देखिए, अगर एचडी रेडी है तो यहां तक होगा, फुल एचडी है तो यहां तक होगा। तो एचडी रेडी का सबसे लास्ट वाला पॉइंट देखिए, क्या इस पर कोई वोल्टेज है? देखिए, सबसे लास्ट के किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए, यहां ग्राउंड लगा देता हूं, अभी कोई वोल्टेज नहीं है क्योंकि अभी ये ऑपरेट नहीं हुआ है। मैं इसको पावर देता हूं, ये मैंने इसको पावर दे दिया, रिलीज कर दिया। अब देखते हैं क्या यहां वोल्टेज है, यहां कोई वोल्टेज नहीं, ये प्रॉपर लगा नहीं है। ये देखिए, यहां 2 वोल्टेज हैं, 2 वोल्ट के करीब हैं, 1.5 से 2 वोल्ट के बीच में आ सकते हैं। अब इसी लाइन का सबसे लास्ट पॉइंट ये, यहां देखते हैं क्या यहां वोल्टेज है, यहां अभी कोई भी वोल्टेज नहीं है। अब देखिए, अब मैं इसको कोड से चेंज करूंगा, आप मल्टीमीटर पर ध्यान कीजिए और इस एलईडी पर ध्यान कीजिएगा, ये रीस्टार्ट मारेगी। देखिए, इनपुट 311.82, ये रीस्टार्ट मारी और यहाँ वोल्टेज आ जाना चाहिए अगर ये फुल एचडी पर आ गया है तो। देखते हैं अभी यहाँ, ये देखिए आ गए 1.9 वोल्ट आ गए। अब मैं यहाँ फिर से देखिए, इसको नॉन एचडी का कोड डालता हूँ, इनपुट 311.81, ये वोल्टेज जा चुके हैं, अब ये नॉन एचडी पर आ गया है एचडी रेडी यानी। और फुल एचडी पर करेंगे तो यहाँ वोल्टेज आ जाएंगे ये लास्ट वाले पॉइंट पर, इनपुट
311.82 ये वोल्टेज यहाँ मिलेंगे कुछ सेकंड्स के बाद। ये देखिए ये वोल्टेज आ गए, इनपुट 311.81 ये मैंने दबाया तो ये वोल्टेज चले जाएंगे यहाँ से। अभी ये 81 है, अभी शायद कोड नहीं डला है। इनपुट 311.81 ये रिस्टार्ट मारा, ये गए। तो 82 करने पर फुल एचडी पर आता है और 81 करने पर एचडी रेडी पर आता है। तो यहाँ वोल्टेज आना यानी ये तय करता है कि ये मदरबोर्ड फुल एचडी के सिग्नल निकाल रहा है, और यहाँ तक वोल्टेज आना तय करता है ये एचडी रेडी के सिग्नल निकाल रहा है। ये देखिए